Whoa! अच्छा अर्चना जी, देश में चुनाव का माहौल चल रहा था, सब लोग अपनी अपनी कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी कुर्सियों पे कब्जा हो चुका है। अच्छा आपको पता है, दिनेश ना कभी कभी बड़ी सयानी बात कर देता है। मेरे को कहता है जो पढ़े लिखे होते हैं ना, उनके पास चॉइस बड़ी कम रहती है। अच्छा। मैंने कहा कैसे? कहता आप देखो, आप 10+2 में अगर 90% से पास हो जाओ, या तो आप इंजीनियर बन सकते हो या डॉक्टर। कहता अगर फेल हो जाओ, ऑप्शन ही ऑप्शन है, आप जूस का ठेला लगा लो, गैस एजेंसी ले लो, गिटार बजा लो, मतलब कुछ भी। एक्चुअली फेल होते ही आदमी वर्सेटाइल हो जाता है। नहीं तो आप देखो ना, अगर किसी ने इंजीनियरिंग की, वो यही बोलेगा यार कहीं इंजीनियरिंग की वैकेंसी हो तो मुझे बताना, या कहीं डॉक्टर हो तो मुझे किसी हॉस्पिटल में तो बताना। बेला आदमी आपसे मिलेगा यार कहीं काम पे लगवा है? वो कुछ बोलता ही नहीं है, उसको पूछो ना क्या करना चाहता है, कुछ भी करा दे, कुछ भी कर लेंगे, ऑप्शन हो जाती है आदमी के पास। आजकल ना बड़ी अवेयरनेस आ गई है, कॉलेज की लड़कियां बढ़ चढ़ के वोट डालने जाती हैं। अच्छा जब आप वोटिंग लाइन में लगे देखते हो, लोग सब लेडीज चुपचाप खड़ी होती हैं, सिर्फ कॉलेज वाली लड़कियों ने मुंह के लिए बैठे होते हैं। ये धूप से नहीं बचती हैं, इन्होंने झूठ बोला होता कि मैं 16 साल की हूँ, वहां पे चोरी पकड़ी जाती है क्योंकि 18 से पहले आप वोट नहीं डाल सकते। अच्छा कुछ लड़कियां तो वोट डालते हो तो आपको वो निशाने लगाते, कुछ उसमें भी चॉइस मांगती हैं, सर कोई पिंक में है तो अपना लगाओ काला निशान। लेकिन हमारी अर्चना जी का उल्टा है। अच्छा? ये हाथ धो के जाती हैं, 10 के 10 नाखून आगे कर देती हैं, वो सब पे काला लगाते, फिर घर आके बोलती मैंने ना काली वाली नेल पॉलिश ली है। अच्छा माँ जब घर में बैंगन की सब्जी बनाती है ना, तो बच्चे मुंह टेढ़ा करते हैं, मैं नहीं खाना। माँ बेचारी ऑप्शन देती, बेटा आलू मेथी बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं। यही आदमी की जब शादी हो जाती है, बीवी दो ही ऑप्शन देती है कि खाना है तो खाओ, नहीं तो बाहर में जाओ। तब आदमी कुछ नहीं बोलता। लेकिन कुदरत का नियम देखो, माँ जो आपको 3-3 ऑप्शन 4-4 देती है, उस माँ ने भी किसी ना किसी के बेटे को 2 ऑप्शन जरूर दी होती है कि खाना या खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ। अपने हस्बैंड को क्यों मम्मी? अच्छा शादी के मामले में लड़कियों की चॉइस मैं मानता हूँ कभी गलत नहीं हो सकती। अच्छा? क्योंकि जो लड़कियां 55 लिपस्टिक्स में से अपनी वाली पिंक ढूंढ लेती हैं, ये लड़का कहां गलत ढूंढेंगे। और इनको अपनी चॉइस पे कभी अफसोस नहीं होता, ये आदमी लोग होते हैं जिनको अफसोस होता है चॉइस पे। पिटेगा तू। शादी की चॉइस तो वैसे ही आदमी की आखिरी चॉइस होती है, आपको पता है। आखिरी चॉइस, उसके बाद तो ऑलमोस्ट बीवी के फैसले चलते हैं, आपको पता ही होगा। अच्छा मॉल में जब शादीशुदा कपल शॉपिंग कर रहा होता ना, शॉपिंग क्या कर रहा होता, बीवी शॉपिंग कर रही होती, पति तो बेचारा लिफाफे उठा के घूम रहा होता है। लेकिन कभी उसको होता है कि मैं चलो बीवी के हिसाब से कपड़े खरीदूं। आप देखना 8-10 टी-शर्ट ट्राई करेगा आदमी, अंदर जाएगा पिंक में, बीवी कैसी लग रही है, नो बीवी मोटे लग रहे हैं उसमें, फिर जाता फिर चेंज, ये वाली कैसी लग रही है, नो बीवी तुम थोड़े टिंगू हो ना तो तुम्हें ज़ेब्रा लाइन सीख नहीं लगती, फिर जाएगा फिर पहन के आएगा, ये कैसी लग रही है बीवी, नहीं बीवी तुम्हारा कंप्लेक्शन डार्क है ना, ये डार्क कलर तुम पे सूट नहीं करता। आदमी हैरान हो जाता है कि ये टी शर्ट चुन रही है, मेरी कमियां निकाल रही है ये। जो कपल जिनके बच्चे होते हैं उनमें से सिर्फ बीवी के पास चॉइस होती है शॉपिंग करने की, क्योंकि आदमी तो बच्चे संभाल रहा होता है, 2 बच्चे हैं तो इधर वो बच्चे भी वो बच्चों की चॉइस से चलता है, बाप को नहीं पता था कहाँ जाना है, किसी बच्चे ने इधर खींच लिया इधर चला गया, किसी ने इधर इधर, माँ अंदर शॉपिंग कर रही है, बच्चे का एक तो बच्चों को पकड़ के रखना पड़ता है क्योंकि जरा सा ध्यान हटो तो खिलौने वाली दुकान में घुस जाते हैं, फिर जाके अलग अलग खिलौने, बाप बेचारा कहाँ ले, ये ले दो, नहीं रखो उधर, ये ले दो, बाप रे हट इधर, तो बच्चे बड़े तेज कंजूस कहीं का। और आदमी एक बच्चे को संभालता तब तक देखो दूसरा कहीं गुम होगा, वो जाके मैनीक्विन नहीं होती जो ऐसे खड़ी रहती है, मैनीक्विन का हाथ खींच रहा है, मम्मी, बाप को खींच जाता है बेचारा संभाल संभाल के बच्चे, मम्मी तेरी ये तेरी मम्मी होती तू और सुंदर होता। अच्छा इंसान सिर्फ ये चूज नहीं कर सकता कि उसको पैदा कहाँ होना है, उसके बाद सब कुछ चूज करता है। आप छोटा सा बच्चा देख लो, आप 2 महीने का भी, उसकी माँ अगर पालने में उसके ऊपर चादर डाल देना तो अपने पैरों से हटा देता है फटाफट, जो उसको अच्छा लगता है। बच्चे बड़े इस मामले में क्लियर होते हैं, अगर आपको अच्छे लगे किसी को तो आप बच्चा उठा लेते हैं ना, बच्चा आ जाए आपके पास, अगर उसको नहीं लगता तप्पड़ भी मार देते हैं बच्चे। बच्चे क्लियर होते हैं, थोड़ा सा चलना शुरू करता है ना बच्चा, जब अपने हाथों पैरों पे ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्रॉलिंग, रोलिंग करना, क्रॉलिंग, क्रॉलिंग, मैं तो ऐसे टाइम पास करता, मेरे को पता। अरे थोड़ा सा घुटने के बल चलना शुरू होते ना, तो फिर मामा बोले थी कम ऑन बेबी,
तो बच्चा बैठ भी जाता बीच में, उसको देखता कि नहीं ये तो रोज मिलते हैं, फिर निकल जाता है, अपनी मर्जी करता है बच्चा। 7-8 साल का बच्चा भी सलून में जाता ना कटिंग, अंकल यहाँ से पूरा ये कर दो, आगे से ऐसे कर दो, इतनी सारी ऑप्शन दे देते हैं। हमारे टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं, 5 रुपए देते थे हमारे माँ बाप, और हमारे वो बाल भी कटवा देते थे जो अभी तक आए नहीं है, कसम से। हमें हमारे पास चॉइस ही नहीं होती थी। वैसे ही पहले चादर लपेट देते थे हाथ भी अंदर, ऊपर से वो डराता रहता था, ध्यान से बैठो कान कट जाएंगे। अभी तो बच्चे इतने सारे हेयर स्टाइल रखते हैं, हमारे टाइम पे कहाँ इतना, बाथरूम से बाहर निकलते थे माँ फटक ऐसे ठुड्डी पकड़ देती थी इधर को, और माँ अगर लेफ्टी है तो आपकी मांग राइट में निकलेगी, माँ अगर राइट है तो आपकी मांग लेफ्ट में, दो ही हेयर स्टाइल होते थे। अच्छा पहले जमाने में छोटे भाई के पास तो कपड़ों की चॉइस ही नहीं होती थी, एक बार ले लिए कपड़े बड़े भाई ने पहने, उसके बाद छोटा भाई पहनेगा वही कपड़े, वो बड़ा हो जाएगा, उसके बाद नीचे वाला और बड़ा हो जाएगा वो, तो तीनों भाई एक ही तरह के कपड़े पहन लेते थे। उसके बाद भी कभी कभी औरतें कहती थी, बात सुनिए जी कपड़े तो अभी भी ठीक है, कभी कभी इसी चक्कर में चौथा हो जाता था। आदमी जब हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाए ना, वहां पे भी आपको पता है आजकल ऑप्शन देते हैं, हाँ आदमी को बोलते हैं कि आपको 10,000 रुपये लगेगा, डीलक्स रूम मिलेगा आपको, उसमें आपकी पर्सनल नर्स मिलेगी और एक अपना ही रूम होगा आपका। वहां पे भी बार्गेनिंग तो करते हैं बेचारा आदमी, मतलब 2,000 में कुछ नहीं मिलेगा, पर 2,000 में देखिए आपको कमरा मिलेगा जिसमें 10 मरीज होंगे, 10 मरीजों के ऊपर एक नर्स होगी, और वो नर्स जो है उसको खुद को भी खांसी होगी, और वो अगर आपके फ्रूट खा जाए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। पहले जब सर्जरी करते थे पुराने जमाने में, तब इतने ऑप्शन थोड़ी ना होते थे, एनेस्थीसिया तब कहाँ आता था, दिनेश के गांव में तो अभी भी ईंट मार के बेहोश करते। ये तो इसने ट्रेंड चेंज किया है। अच्छा। ये अपनी बनियार और मौजे सुंघाने शुरू किए इसने। जब आप चूजी होते हैं ना तब भी बड़ा नुकसान होता है, कई बार आप देखना लड़कियां जो होती हैं किसी पार्टी में जाना हो ना तो अपने बेड के ऊपर 50 ड्रेस एक साथ डाल के अकेली सोच रही होती, अकेली लगी होती, 2-2 घंटे बाहर नहीं आती, 2 घंटे बाद बाहर आके फिर हस्बैंड से पूछती हूँ ठीक लग रही हूँ मैं, वो भी बोल देता हाँ ठीक लग रही है, उसको पता है जो 2 घंटे लगा के आई अगर मैंने इसको बोल दिया कि नहीं लग रहा ये 4 और लगाएगी, तो इसलिए ज्यादा जो चूजी होता है आदमी वो भी नुकसानदेह होता है। कई घरों में तो यही नहीं टेंशन खत्म होती, रात को बनाना क्या है, खासतौर पर नॉर्थ वाले जो पंजाब साइड के लोग हैं कि बेटा दही नहीं खाता, माँ करेले नहीं खाती, दादी को ये नहीं पसंद, इतना सारा सोच, रात को बनते फिर दाल चावल है उनके, तो बहुत ज्यादा जो चॉइस रखने वाले इंसान होते हैं उनका भी कुछ खास भला नहीं होता। अच्छा मैं यहाँ पे जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी कोई ऐसा आपने फैसला लिया है जो आपकी चॉइस हो जिस पे आपको गिल्ट हो रहा हो कि मैंने गलत किया है, या गलती हो गई, या खुशी हो रही हो कि मैंने अच्छा किया है? जी मैडम। हेलो सर। हेलो जी। हेलो मैम। हेलो ऑल। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि पछतावे वाली बात, हाँ जी, तो मेरी ये पछतावा है कि मैंने बहुत कम एज में और अपनी मर्जी से डिसीजन ले लिया जो लाइफ का सबसे बड़ा पछतावा है आपको, शादी का। अच्छा कम एज में उसका पछतावा है। कितनी एज में कर ली आपने शादी? मैं अराउंड 20-21 थी। काफी होती है। ठीक होती है, बट उस टाइम क्या था ना, हमारे टाइम में नया नया मोबाइल आया था। अच्छा जी। तो बहुत एक्सपेंसिव भी था और उसके कॉलिंग चार्जेस भी बहुत ज्यादा थे। अच्छा, तो अभी मैं सबको देखती हूँ ना, इसी चक्कर में शादी कर ली कि फोन ना करना पड़े। नहीं। अच्छा। आजकल मैं जब देखती हूँ ना सबको, कपल्स को जो बात करते हैं, हाँ जी, उनको कोई टेंशन ही नहीं होता कि उनका, क्योंकि फ्री है आजकल कॉलिंग, हाँ जी, तो होल नाइट बात करते हैं, तो मुझे लगता है मैंने जल्दी कर दी। लंबी बातें करनी थी आपको? सर कैसा होता है ना, हाँ जी, कि अभी मेरे हस्बैंड अभी आउट ऑफ स्टेशन में रहते हैं, मैं मुंबई में रहती हूँ। वो कहाँ रहते हैं? वो अलाहाबाद में। अच्छा जी। तो हमें लगा कि शायद मोबाइल का हम लोग फुल यूज करेंगे, होल नाइट बात करेंगे, तो खर्चा बहुत आएगा। हाँ, और उसका वो एंजॉय करेंगे जो हमारा मिस हो गया। अच्छा। बट बाद में पता चला कि पति पत्नी में तो बात खत्म ही हो जाती है पति पत्नी बनने के बाद। ये बिल्कुल सही कहा आपने, टॉपिक खत्म हो जाते हैं, इलेक्शन भी 5 साल बाद आते हैं, बजट भी 1 साल बाद आता है, बीच वाले टाइम पे क्या बात करे आदमी। आप बहुत ही ईमानदार महिला हैं, आप खड़े होइए चुनाव में, आपने बहुत सच बोला है दिल से, और बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मर्जी का भी एक जो शादी किया उसका भी एक साइड इफेक्ट हो गया। क्या? वो उस टाइम पे क्या था ना, लड़कियां अरेंज मैरिज जब होता था तो लड़के देखने आते थे, लड़की ट्रे लेके आती थी, चाय की ट्रे लेके, वो मैंने मिस कर दिया। अच्छा। वो भी मैं
मिस कर दिया, मतलब वो चीज मैं एंजॉय नहीं कर पाई, तो ये दो साइड इफेक्ट्स हो गए। तो पति तो बाहर रहते हैं, किस दिन वैसे ही किसी को बुला लो देखने के लिए। सर, अभी ऐसे नहीं, पर क्या है वो ट्रेन लेके आने में क्या फर्न है? अभी ऐसे आने को कोई तैयार नहीं है। पर ट्रेन लेके आने में क्या फर्न है? हाँ, ये क्यों होता था अर्चना जी, आपको तो पता होगा, ये लड़के आप लेके आई थी ट्रेन? परमिट लेकर नहीं। अगर कोई ट्रेन पर आपकी तो लव मैरिज हुई ना, आपकी भी तो आपको लव मैरिज, आपने भी तो ये सब मिस कर दी होगी ट्रेन में लड़ा। और आपकी रेंज भी होती ट्रेन तो आप फिर भी नहीं लेके आते, मुझे पता है। लेकिन मोबाइल पर बहुत लंबी लंबी बातें होती थी, और तब हमको एहसास हुआ कि आई थिंक वी आर इन लव, क्योंकि हम लोग अगर 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे भी फोन पर बात कर सकते थे। उस टाइम मोबाइल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन पर, तो जो बिल आते थे परमीत के घर पे, मैं तो यहाँ पर अकेले रहती थी, लेकिन जो परमीत के बिल आते थे तो उनके माँ बाप को शक हुआ कि कुछ तो चक्कर है। तो मतलब आप आउटगोइंग नहीं करती थी, वो करते थे। ये क्यों होता है ऐसे, महिलाएं ऐसा क्यों करती है, लड़कों को मिस कॉल मार के क्यों छोड़ देती है, आप बताने जाएंगे? लड़के मतलब कॉल बैक, ऐसा होता है ना? क्यों करती है आप ऐसा? सर, हम लोग तो एक दूसरे में रिचार्ज करवा देते थे, जब भी उनका खत्म होता था तो मैं करवा देती थी, मेरा खत्म होता तो वो करवा देती। ये तो अच्छा है भैया। तभी तो लाइफ टाइम रिचार्ज हो गया आपका। पर चलिए, बहुत अच्छा लगा बेटा, ये तुमने मेरा नाम लिख के लाए हो, थैंक यू, सो स्वीट। कहाँ से आए हो आप? पनवेल से आए हो? ये आपने अपने हाथों से बनाया, सो स्वीट, लव यू बेटा। यस सर, थैंक यू बेटा, लव यू, शुक्रिया, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? अरे ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, बीस्ट, क्या हाल है सर? सर गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, क्या हाल है जी? जी बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। आप कहाँ से हैं? जी मुंबई से ही है, मीरा रोड से आए हैं। अच्छा जी, मेरा ये कहना है कि मेरी जो लाइफ में मैंने चॉइस किया है उसके लिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आपके साथ आई? यस। कहाँ है? तभी कह रहे खुश। हेलो जी, कैसे हैं? हेलो गुड इवनिंग। वेलकम वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। ये साथ हैं इसलिए बोल रहे हो आप? आपकी लव मैरिज हुई है? ओके, मतलब अच्छा है ना? या हम लोग का जो मैरिज भी हुआ वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग से ही प्यार हो गया और शादी भी हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग से प्यार कैसे होता है? हाँ, लाइक हुआ ये था कि मेरी वाइफ का जो रिश्ता आया था वो मेरे कजिन के लिए आया था। अच्छा। हाँ, और आप उधर बैठे हुए थे ताड़ू बनते? नहीं, हाँ, मेरे कजिन के लिए। तो फिर तो रिश्ता मेरी कजन के लिए आया था तो। अच्छा। बट पता नहीं क्या हुआ तो मैंने इतना गौर नहीं किया था। फिर उसके बाद जब वापस से मेरे मॉम के नंबर पे फोटो आया कि ये लड़की की मॉम ने हाँ बोला है। अच्छा। तो मुझे लगा कि मतलब पसंद आ गया, मैं उनको, उन्होंने मेरे को हाँ बोल दिया। अच्छा। बट हुआ ये कि उन्होंने हाँ बोला था कि हाँ लड़के को मतलब भेज देना घर पे। अच्छा। हम देखेंगे, तो ये हुआ था। अब हम लोग घर पे गए, बात हुई, बट इसका इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज मॉम की तबीयत खराब थी इसके। अच्छा जी। तो इंटरेस्ट नहीं था तो मैं कंफ्यूज हूँ कि अब तक हाँ बोला है बट खुश नहीं दिख रहा है कोई, क्या हुआ क्या है ये? तो अभी बड़ी सीरियस दिख रही है, आपका डिसीजन तो ठीक है ना? अच्छा। तो फिर तो उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद हम फोन पे चैट चालू हुआ, बातचीत चालू हुई कि अच्छा, क्या हुआ अब तक? तो ये बोले हम थोड़ा टाइम लगेगा आंसर देने में, टाइम लगेगा क्योंकि मॉम का सिचुएशन ऐसा था इसीलिए। तो उसके बाद थोड़े टाइम के बाद इसका फोन आया सुबह में, उसके बाद आप वापस आओ मेरे वहाँ पे मिलने के लिए। ये अच्छा। वो फर्स्ट टाइम इसने मेरे को बराबर से देखा भी नहीं था। अच्छा जी। तो सेकंड टाइम में उसने देखा, फिर उसमें हाँ बोला, इसको मैं पसंद आया और हम लोग में बातचीत चालू हुई। फिर मिलने के 1.5 महीने के बाद हम लोग की शादी भी हो गई। अच्छा जी। हाँ, जल्दी शादी भी हो गई। अच्छा, अभी शादी होने के बाद इसका काफ़ी हर बार बोलती थी मेरे को, बार बार बोलती थी कि तुम मेरे को कब प्रपोज करोगे, कब प्रपोज करोगे। रोज ही करता हूँ मैं। ये सब होने के बाद? नहीं, मतलब इसका वो था कि मेरे को सबके सामने प्रपोज करना है। अच्छा। तो मतलब टाइम पे करूंगा, शक होकर मुकरना जाए बाद में। ऐसा था मैम? मेबी। अच्छा, तो फिर? तो मैं बोला किसी टाइम पे करूंगा, तो मतलब किसी एक दिन मौका मिलेगा तो मैं करूंगा प्रपोज। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या मैं स्टेज पर प्रपोज कर सकता हूँ मेरी वाइफ को? अरे आपकी अपनी है।
थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. शुक्रिया. अच्छा, चॉइस की बात चल रही है. यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मोहतरमाएँ बैठी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ बैठी हैं जिन्होंने अलग अलग शेड्स की जो है लिपस्टिक लगाई हैं. मैं आप सब बहनों से, माताओं से जानना चाहता हूँ कि जब आप लिपस्टिक चूज करती हैं, अलग अलग शेड्स चूज करती हैं, ये जनहित में जा रही है, हम लोग ये प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आप क्या देख के चूज करती हैं? मतलब 50-50 शेड्स आप निकलवा लेती हैं कि ये भी निकाल दो, ये भी निकाल दो, पूरा ऐसे गोदाम बना रहता है आपके सामने, उसमें से आपने एक चुननी होती कोई, क्या ऐसे उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी आपकी, हम जानना चाहते हैं. कोई हमारे दोस्त जी. मैम. हेलो शर्मा जी. हेलो जी. हेलो अर्चना मैम. माई सेल्फ अंकिता फ्रॉम मुंबई. जी अंकिता, बहुत बहुत जी स्वागत. मैं मेरे हस्बैंड की पसंद की लिपस्टिक लगाती हूँ. अच्छा, वेरी गुड, आप जीत गई. थैंक यू. भाई साहब आए आपके साथ? यस. कहाँ हैं भाई साहब? मुबारक हो, आपकी पसंद चल रही है. आप इनकी पसंद का कुछ करते हैं? कोई हमें भी तो पूछे हमारा कितना चलता है. उन्होंने कहा तो है कि वो आपकी पसंद की लिपस्टिक लगाती हैं. बस यही चल रहा है, बाकी सब तो. आपकी लव मैरिज हुई दोनों की? यस, लव मैरिज और रिसेंटली मैरिड. अच्छा जी, बहुत मुबारक हो आपको. थैंक यू सर. और कोई अपने विचार पेश करना चाहे तो आप कर सकती हैं. जी मैम. हेलो कपिल सर. हेलो मैम. जहाँ तक बात आती है लिपस्टिक की, तो मैं अपने पसंद की लगाती हूँ. शाबाश. ये फर्स्ट टाइम. आपका है नहीं बॉयफ्रेंड कोई? मतलब नहीं, मैं सिंगल हूँ. आप आई होती ना कहीं 4 महीने पहले. तो आप अपनी मर्जी की लिपस्टिक लगाती हैं? हाँ. Very nice. आगे भी मेरे मर्जी की लगाऊंगी. अच्छा जी, नहीं मानोगी नहीं मतलब है. ऐसे क्यों? अगर आपको बहुत प्यार करने वाला पति मिलता है, वो बोलता है कि नहीं ये वाली शेड लगाओ प्लीज, तो फिर नहीं लगाएंगे आप? नहीं. इतनी क्यों जिद पड़ी हुई है, क्या हुआ? मर्द कौम पे गुस्सा है आपको? क्यों इतना गुस्सा है आपको? नहीं, गुस्सा नहीं है, लेकिन अगर इंसान अपनी मर्जी का कुछ करे तो अच्छा लगता है ना. राइट. किसी की मर्जी थोपेगे तो नहीं. अच्छा. बिल्कुल सही बात कही आपने, शाबाश. क्या करती हैं आप? अभी जॉब कर रही हूँ. अपनी मर्जी की. हाँ. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अच्छा जी, आज हमारे यहाँ पे बहुत खास मेहमान आने वाले हैं, सो आई नीड टू चेंज माई ड्रेस. इवन आई विल चेंज माई ड्रेस. ओके, गो एंड चेंज नाउ. अर्चना जी, आज जो हमारे पहले मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, ये अपने आप में एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूट है. आपके पुराने दोस्त भी हैं. इन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग से हमें रुलाया है, कॉमिक टाइमिंग से हंसाया है और नेगेटिव रोल से डराया भी है. पिछले 35 सालों से हिंदी, इंग्लिश और दूसरी कई भाषाओं में 500 से अधिक फिल्में देखे हम सबका दिल जीतने वाले 2 बार के नेशनल अवार्ड विनर, प्लीज वेलकम मिस्टर अनुपम खेर. आइए सर, आइए. अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है. क्या सेक्सी लग रहे हैं सर आप. अरे काले कपड़ों में. वाओ. मैं अर्चना के लिए तैयार होके आया हूँ. क्या मजे की बात है, वो आपके लिए तैयार होके आई हैं. अरे यार, परमीत और किरण को पता चलेगा तो कुछ नहीं पता लगेगा. हम उससे पहले हमारी जोड़ी तैयार हो चुकी है. मिस ब्रहेंसा. Malhotra. But Archana, you are really looking very nice. Serious. इसी बात पे एक flying kiss हो जाए. मैं वहाँ जाके kiss देके आता हूँ. आपको क्या लगता है कि kiss जो है वैसा ही kiss होता है जैसा आप समझ रहे हैं? हाँ. ये भी एक kiss होता है देखो. जी. अरे
कुछ हुआ? नहीं, तभी तो कह रहा हूँ इसमें मजा नहीं है। सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, किरण मैम सर भारी बहुमत से जीती, क्या बात है। और सर जो अगला सवाल हम ये जानना चाहते हैं कि आप सच सच बताइएगा कि आपको इस बात की ज्यादा खुशी है कि वो एमपी बन गई या इस बात की ज्यादा खुशी है कि 5 साल वो तो चंडीगढ़ में रहेंगी। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। मुझे दोनों बातों की बहुत खुशी है। अच्छा जी। मैं तो वैसे ही वो चंडीगढ़ में पिछले 5 साल से रह रही थी, मैं बॉम्बे रह रहा था, अब मैं विदेश में रह रहा हूँ जी। बट उनके काम की वजह से वो चंडीगढ़ में जीती है, इस बात की मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। सर मैं काफी दिनों सोशल मीडिया देख रहा, आप हिंदुस्तान में थे ही नहीं। मैं बाहर न्यूयॉर्क में एक सीरीज कर रहा हूँ, न्यू एम्स्टर्डम जी, पिछले एक साल से। आई मेट प्रमीत एंड हर सन अंशुमन। Yes, wonderful. बेटों के साथ ही थे? बेटे के साथ, दोनों अकेले थे। पापा बेटे थे? हाँ, साथ मैं नहीं थे। थी वहाँ पर, मैं यहाँ थी तेरे साथ। मैं तो कोई और तो नहीं थी साथ में। वो तो अनुपम बताएगा। नहीं नो, किरण के रहते, और आपको तो अभी ये शादी के जोक करने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये मतलब अभी तो मैं आपकी शादी पे गया था और बाहर में जब अंदर आ थोड़ा लेट आया था तो बाहर 5-6 लोग खड़े थे और कह रहे थे अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो रहा है अंदर? कहते हैं अंदर कपिल शर्मा जो है शादी की एक्टिंग कर रहे हैं। सीरियसली? वो सर अभी क्या करें। तो आपका जीवन कैसा है? माय सर, शादी के बाद हर इंसान की शक्ल एक जैसी हो जाती है, मेरे और आपके एक्सप्रेशन बड़े मिलते जुलते हैं। एनीवे सर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू सर। थैंक यू सर। जब मैं देखता हूँ ना सब हॉलीवुड के एक्टर अनुपम सर बीच में खड़े होते हैं वो सब, मैं सर सो प्राउड ऑफ यू सर। सर हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। पर सर अच्छा लग रहा है आज अनुपम सर को, पहली बार आए नए सीजन में, दोबारा दुकान खोली है सर, शुक्र है ऊपर वाले का। कितना अच्छा चल करते हैं आप जी सर, कितना अच्छा। हाँ, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इनका, इनके शो का, इनकी बातों का। एंड अर्चना, व्हाट अ रिप्लेसमेंट। अनुपम सर एक बात पूछनी थी। पूछो। आप जब ना ये बोलते हैं ना आपसे एक बात पूछनी थी तो इनके दिमाग में बात पहले आ जाती है, वो आँख में आ जाती है, और एक छोटी सी जो इनकी नॉटी मुस्कुराहट है, बहुत नॉटी स्माइल है इनकी। इनका जो बच्चा होगा या बच्ची होगी वो इतनी नॉटी होने वाली है या होने वाला है, ऐसी कोई। वैसे आपके शो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसी कोई खबर है? बस आप सबकी ब्लेसिंग चाहिए। नहीं सर, ब्लेसिंग तो आपकी चाहिए। तो फिल्म वन डे में अनुपम सर जज बने हुए हैं, रियलिटी शोज में किरण मैम जज बनती हैं। तो सर घर के जो फैसले होते हैं वहां पे किसकी चलती है फिर? यार ये फिर वही बातें करने जा रहा है। ऐसे ही मतलब 1.5 साल पहले ठीक लगता था आपके सवाल पूछना। आपके घर में किसकी चलती है बताओ ना प्लीज, मैं जानना चाहता हूँ। अपने हम एक दूसरे के दुख दर्द बांटते हैं, चलो किसकी चलती है दोस्त? वही हाल है भाई साहब, आओ बैठते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ने ना एक उम्र डिसाइड की है कि 60 के बाद आदमी को रिटायर कर देते हैं वो, लेकिन अनुपम सर ने अभी जिम शुरू कर दिया है। तो सर ये जनता जानना चाहती थी कि इसके पीछे मकसद क्या है, अच्छी बॉडी बनाना या जिम में कोई खूबसूरत देवी दिख गई आपको? सर मेरा उस मामले में ऐसा जिम बॉडी से कुछ लेना देना नहीं था। अच्छा जी। जितनी पढ़ी लिखी अच्छी सुशील खूबसूरत लड़कियों को जिम की जरूरत नहीं पड़ती है सर। अच्छा जी। उनको इंटेलेक्चुअल यहाँ पर भी काम पड़ता है सर। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। क्योंकि डौले शौले कब तक रहेंगे? हाँ ये तो है। और डौले शौले हो तो रोज डौले शौले रखने पड़ते ना जी, अपना ऐसा कुछ रहा नहीं सर। पर एक घर में एक्सरसाइज करो जर अंतम सर, लेकिन जिम में करो तो एक दूसरे को देख के मोटिवेशन नहीं तो मिलता सर, मैं तो अनिल कपूर के घर पे करता हूँ, वहाँ कोई भी नहीं होता है। अच्छा जी। उन्होंने मेरे लिए जिम खोला अपना बेसिकली। अच्छा जी। वो खुद और कहीं जाकर जिम करते। क्या बात, अनिल सर भी यार कमाल के फिट है वैसे। बहुत दोस्ती ऐसी थोड़ी ना कि दोनों फिट है यार, संगत का बड़ा असर होता है। मैंने अर्चना जिम इसलिए करना शुरू किया कि 60 साल की उमर में जब आपने, अब मैंने 35 साल हुए मुझे इस लास्ट हफ्ते हिंदी फिल्मों में और 515 फिल्में की हैं। वाह क्या बात है। तो हमारे यहाँ फिल्मों में क्या करते हैं कि जैसे ही आपने इतना साल काम किया तो आपको वेटरन बुलाना शुरू कर देते हैं, थेस्पियन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेजेंड बुलाना शुरू कर देते हैं।
इसका बेसिकली मतलब होता है कि आपने अपना बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाइए. पर मुझे अंदर से ऐसा लगता था कि मैंने तो अभी शुरुआत की है. बिल्कुल. तो मैंने कहा कि मैं अपना पूरा रवैया चेंज कर देता हूँ, पर उसके लिए शरीर को चेंज करना बहुत जरूरी है. बिल्कुल सर. तो फिर मैंने सर ये आपका प्ले देखना है मैंने. आपने देखा ही नहीं अभी तक. मैं हमेशा क्लिप्स देखता हूँ सोशल मीडिया पे. वो हमेशा जब प्ले खत्म होता है तो हमें, जब भी मैं देखता हूँ कोई ना कोई डाल देता है ऑडियंस में से, हमेशा स्टैंडिंग ओवेशन मिलती है. अब मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है वो देखने की. नेक्स्ट टाइम जब भी कभी मुंबई हुआ सर, जो वन मैन शो है वो बहुत अच्छा है. कुछ भी हो सकता है. बहुत अच्छा. आपने देखा? अच्छा. मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया. अगर एक लंगोटी वाला बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकता है तो कुछ भी हो सकता है. एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चलकर आगे जाकर वहीं भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. 27 बरस जेल में जाने के बाद अगर नेल्सन मंडेला उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है. वाह क्या बात है. तो मेरी लाइफ की फिलॉसफी है कि कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल सर. एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के क्लर्क का बेटा जिसकी तनख्वाह 90 रुपीज थी जी मेरे पिताजी की, वो अगर आज आपके शो पे आके 35 साल और 515 फिल्मों के बारे में बात कर सकता है, कुछ भी हो सकता है. वो पता नहीं होता है. मैं सर अंग्रेजी सीरीज में काम कर रहा हूँ मैं न्यूयॉर्क में जी. अब आप आम तौर पे बातचीत की भाषा में तो एक दूसरे से अंग्रेजी बोल लेते हैं जी, क्योंकि कम्युनिकेट करना होता है. उनकी नहीं समझ में आती सर मेरे को. मुझे भी नहीं आती है. मैं बस देख लेता हूँ कि लास्ट में इन्होंने क्या बोला है. क्यों क्या है. और सर मैं मेडिकल सीरीज है ये. अच्छा जी. हाँ जी मैंने देखा सर फोटोग्राफ्स. और मैं उसमें न्यूरोलॉजिस्ट का रोल कर रहा हूँ. अच्छा जी. मेरे इतने मुश्किल डायलॉग्स हैं, पर मैं न्यूकमर की तरह काम करना चाहता था. उनमें एक डायलॉग था, उसने वो मुझसे कुछ पूछता है तो मुझे कहना था नॉट क्वाइट राइट. नॉट क्वाइट राइट. अच्छा. मतलब वो पूछता है इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो मैं बोलता है मुझे बोलना है नॉट क्वाइट राइट. अब सुनने में बड़ा आराम से लगता है. मेरे से सर 12 रीट हो गए. नॉट क्वाइट राइट. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मैं नॉट राइट नहीं बोल सकता. कहता नॉट क्वाइट राइट. पर तो सर आप इतना अमेरिका में रहते हैं, इतने सारे उनके साथ आपने काम किया, अब तो पूरा एक्सेंट बोल लेते होंगे आप अमेरिकन. नहीं सर, मेरे को आता ही नहीं, मैं सीखना भी नहीं चाहता. मेरी भी यही प्रॉब्लम है सर. जैसे मैं अभी कोई अंग्रेज आया ना तो मैं उसके साथ बातें कर लेता हूँ, क्योंकि वो गलती नहीं निकालते. और कोई ये नहीं बोलते कि यू वर रॉन्ग. ये फलाना वो फीलिंग समझ लेते हैं. अपने बंदे मुंह देख लेते हैं. ये क्या बोल रहा है. सो दैट्स व्हाई आई हेट देसी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश. एब्सोल्युटली. नहीं सर, अपना हिंदुस्तानी लहजा बड़ा अच्छा है. एक्चुअली ये हमको ही कॉम्प्लेक्स है कि हमारी जो अंग्रेजी है बड़ी अच्छी होनी चाहिए. एक स्लैंग होना चाहिए. मुझे कभी कभी बड़ा अजीब लगता है कि वहां पर जहाज से भी ऊपर से जाते हैं ना अमेरिका से जी, 1.5 घंटे की फ्लाइट के बाद उधर भी फिर हम स्लैंग में बात करना शुरू कर देते हैं. मैं सर बहुत एक दो सेलिब्रिटीज की, जैसे जैकी चैन साहब आए थे वो हमारे शो में आए, इस बात पे भी तालियां बनती हैं. अच्छा उनका इंटरव्यू किया, फिर बहुत सारे ब्रेटली हो गए या इंटरनेशनल प्लेयर्स भी आते हैं, उनके साथ कभी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं आती. वो समझते हैं, फील समझ लेते हैं. नहीं सर, कोई कोशिश नहीं करता. ये हमको ही प्रॉब्लम है. आसपास के माहौल ने हमको महसूस कराया कि जो हिंदी मीडियम स्कूल का लड़का है ना जी, उनको कभी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल की लड़की ज्यादा देखती नहीं है सर. आपने बैरियर तोड़ दिया. लेकिन मैंने तोड़ दिया. मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था सर, DAV हायर सेकेंडरी स्कूल में. और मेरे आसपास ऑकलैंड हाउस, तारा हॉल, सेंट बीड्स, और हम ऐसे ही चलते रहते थे. और मैं बड़ा पतला होता था. अच्छा जी. तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, तो हम क्या करते थे, पतले होके अंग्रेजी में वो थर्ड प्रिंसिपल ऑफ आर है ना, वो टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये मुझे याद होता था. क्या सर दोबारा बोले? वो थर्ड प्रिंसिपल, न्यूटन का थर्ड प्रिंसिपल है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अब हमको लगता था कि ये जो जितनी भी इंग्लिश मीडियम लड़कियां हैं, इनको अच्छे हट्टे कट्टे डॉलेश वाले अच्छे लगते हैं और अंग्रेजी बोलने लगता था. तो सामने से आप आइए, यू आर एन इंग्लिश मीडियम गर्ल. ओके ओके. एंड आई एम अनुपम खेर ऑफ 1969-70. पतला दुबला, अंग्रेजी नहीं आती, तो मैं यहां से सांस लेना शुरू कर देता था, तो आप बीच में रुक जाना.
आपका तो फिर भी ठीक है, इधर देखो इंग्लिश मीडियम वाली लड़की देख लो। तो मैं आपकी तरफ चल के आऊं? हाँ, और आगे में रुक जाना। तो every action there is equal and opposite reaction. जब आप अपनी त्रुटियां अपनी कमजोरियों का मजाक उड़ाओ ना जी, तो फिर दुनिया आपको किसी चीज से नहीं डरा सकती है। एक्चुअली मैं तो तोतला भी हो गया था। हाँ सर, मैंने सुना है, कहते लोग पहले ना बच्चे जो होते हैं पहले तुतलाते हैं फिर बोलते हैं। अनुपम सर ने पहले बोलना शुरू किया फिर तोतले हो गए। ये क्या क्या रीजन था सर इसके पीछे? मैं गिर गया था, मेरे घर के आगे पहाड़ था, तो 8th 9th स्टैंडर्ड में मैं वो पहाड़ पे गिर गया, तो एक नोकीला पत्थर जो था वो मेरी जबान के आर पार हो गया। अरे बाप रे। और जब मतलब खून वून ठीक हुआ तो मुझे पता लगा मैं क नहीं बोल सकता। अच्छा, क की जगह त बोलता था। तपिल, तपिल त्याल है। मेरा नाम है अनुपम तेर। और मुझे मोहब्बत हो गई एक लड़की से जिसका नाम था कविता कपूर। अच्छा, कविता कपूर। कविता कपूर। तो फिर हमारे मोहल्ले में रहती थी, तो एक दिन उसने उसको पीछे, हम मैं और मेरा दोस्त विजय सहगल शिमला में, उन दिनों पीछे चलना मतलब मोहब्बत हो गई है। अच्छा। पीछे चलते रहो, फिर वो अगर थोड़ी आगे निकल गई तो आप फीता बांधने लग जाओ, फिर देखो। तो मतलब पागल थे, 6 महीने तक पीछे चलते रहते थे। वो भी अच्छा। वो इंग्लिश मीडियम स्कूल की थी। अच्छा जी। एक दिन उसको पता लग गया कि ये बंदा तोतला है एक्चुअली। अच्छा। तो उसने मुझे हमारे पास ही वो कैंटीन पे रोका और उसने कहा, अनुपम आई विल से यस टू योर लव दैट आई ऑल्सो लव यू इफ यू कैन से कविता कपूर आई लव यू। अच्छा। तो वो बोलती पीछे पड़ गई, और उसकी हमेशा जो खूबसूरत लड़की होती है उसकी 5-6 फ्रेंड्स होती हैं जैसे हिंदी फिल्मों में ना, जो चिढ़ाती है, जिनको बेसिकली हीरो से प्यार होता है। हाँ। पर वो हीरो को बोल नहीं सकती, वो काम खराब करने के लिए दुनिया में आई है। आई है। तो कहती बोलो ना अनुपम, बोलो ना। तो मैं ह्यूमिलिएट हो रहा था। हाँ। फिर मैंने फाइनली बोला, कविता कपूर आई डोंट लव यू। फिर शादी किससे हुई? किरण तेर से। सर आपके फैंस यहाँ पे बैठे हुए हैं और सामने अर्चना जी बैठी हुई, तो बहुत सारे लोग आपके आने से पहले कह रहे थे, कहते यार मिसिस बिरगेंजा यहाँ पे हैं, मल्होत्रा साहब यहाँ पे, मतलब आपकी फिल्म का जो किरदार इतने पॉपुलर हुए हैं वो देखना चाहते थे, थोड़ा जलवा बाकी कैसे आपको ठीक लगे? कॉलेज में स्कर्ट पहनना मना है मिस ब्रिगेंजा। लेकिन ये तो आजकल का फैशन है, और ये तो कुछ भी नहीं, कुछ लड़कियां तो स्कर्ट पहनती भी नहीं है। ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं मिस ब्रिगेंजा। रियली? ऑफ कोर्स। और मैं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? यू आर लुकिंग वेरी क्विट। पर क्या है कि ना, अगर आप इस तरह से कॉलेज में एक्सपोज करेंगी तो ये यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो हैं वो। What do you mean यंग बॉयज एंड गर्ल्स? मैं यंग नहीं हूँ क्या मल्होत्रा? Of course, of course. लेकिन मल्होत्रा तुम बड़े बोरिंग कपड़े पहनते हो। क्या है मिसेस ब्रिगेंजा, जब से मिसेस मल्होत्रा चली गई हैं तब से बस ऐसे ही हो गया है मेरा जीवन। Really? Yes, पर अब क्या फायदा? What do you mean, अब क्या फायदा मल्होत्रा? मिस्टर मल्होत्रा, मिस ब्रिगेंजा, मिसेस मल्होत्रा। इतना काम कर लिया है ये, तब क्या करते थे हम? मगर ये करके हमने इतने इन कैरेक्टर्स को मोहब्बत में भी हमने प्रीत और काके किया था, बहुत।
But it's wonderful. So wonderful. For me, it's an honor that Kapil, हमारे शो पर मैंने आज फिर से एक बार अनुपम के साथ मिस ब्रिगेंजा करवाया. How wonderful. अनुपम की लाइफ बहुत रंगीन बहुत दिलचस्प है इसके साथ अगर बैठो ना एक घंटे क्या मतलब 12-15 घंटे में भी इसकी कहानी दिस इज द राइट प्लेस टू अनाउंस माय ऑटोबायोग्राफी आई सडनली थॉट माय ऑटोबायोग्राफी जी सर हमने सुना है लेकिन अभी पता नहीं था कि कब रिलीज कर रहे हैं नहीं जुलाई में रिलीज होगी अच्छा जी वो मेरी अभी मैं पूरी मेरी जीवनी 400 पेज की किताब है ए हाउस ने लेके आई है उस किताब का नाम है लेसंस लाइफ टॉट मी अननोइंगली वाओ तो योर्स इज द फर्स्ट शो That I am actually announcing, वो भी मुझे जोश आ गया पता नहीं So, अब वक्त है फिल्म मंडे से एक और खास मेहमान को यहाँ पे इनवाइट करने का जो कि खूबसूरती और टैलेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता Thank you. ईशा आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच बहुत बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप थैंक यू येलो सूट में आपका मुझे पता चला फेवरेट कलर है तो बस आपको पता नहीं इनकी शादी हो गई है सर आपको क्या लेना देना शॉपिंग तो तभी काफी क्या होता है ना देखिए विंडो शॉपिंग विंडो शॉपिंग लो जी आपकी हालत हो गई विंडो पे आ गए आप बस सिर्फ विंडो शॉपिंग बसंत जब आती है हाय हाय पीले पीले फूल खिलते हैं जरूर सरसों के खेत बड़े खूबसूरत लगते हैं जब तक मैं था तब तक तो आपको कोई चीज पीली नजर नहीं आ रही थी आपने मंडे के ट्रेलर में देखा कि अनुपम सर ना किसी दिलावर नाम के आदमी से बॉम्ब के बारे में पूछ रहे हैं और फिल्म में ईशा भी है तो हम क्या समझे मतलब परीक्षा ट्रेलर में हमने देखा आप पुलिस की वर्दी में बहुत प्यारी लग रही हैं प्यारी लग रही हूँ आपको मैंने तो डैडी के साथ डिपार्टमेंट में कभी इतनी प्यारी पुलिस वाली नहीं देखी मतलब वहां पे नहीं थी पर बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हमारे दोस्त हैं जो बड़े प्यारे लगते हैं वर्दी में यूनिफॉर्म हर के सूट भी नहीं करती पर जिनको करती आपको बड़ी सूट कर रही है आप एक और फिल्म में आप बनी थी पता है आपको चक्रव्यूह में वो भी मैंने देखी है मेरे फादर भी एक्चुअली एयरफोर्स से हैं अच्छा जी बट मुझे आई थिंक हमेशा लगता है कि यूनिफॉर्म एक ऐसी चीज है चाहे वो पुलिस की हो किसी भी डिफेंस की आदमी अपने आप बहुत ही स्ट्रांग और अच्छा लगने लगता है आई थिंक वो यूनिफॉर्म का वो उसका चार्म है एक्चुअली कसम से ऐसी पुलिस ऑफिसर हो ना आदमी मेरे जैसे वैसे चला जाएगी मैडम पकड़ लो जुर्म वुरम बाद में देखा जाएगा मैंने ट्रेलर में भी देखा आपके आसपास ना बड़े पुलिस वाले घूम रहे थे दो तो वो भी तो रिटायर हो चुके थे ईशा आपने एक तो पुलिस वाले का किरदार निभाया ऊपर से हरियाणवी लड़की का तो दोनों में क्या मुश्किल था आपके लिए आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था क्योंकि मारपीट तो बचपन से करती आई हूँ अच्छा जी बस इसमें मौका मिल गया मारपीट करने का वो भी एक्शन पे और जब तक कटना बोले तब तक रुको नहीं वरना तो आई थिंक टीचर आ जाती थी पकड़ लेती थी कान से कि मत मारो ये मत करो बट आई थिंक हरियाणवी बोलना थोड़ा ज्यादा मुझे मुश्किल लगा पर हरियाणवी वैसे लैंग्वेज बड़ी मजेदार है बड़ी कमाल की लैंग्वेज है ना हाँ एक तो उसमें फास्ट बड़ा बोलते हैं जैसे एक मेरा डायलॉग है क्यों बे डिस्को में बैठ के छोड़ियों के ठुमके देखने का टेम है मगर पुलिस स्टेशन आने का टेम नहीं है तेरे पास हाँ बताऊं क्या अरे वाह और हरियाणवी लोग बिट्टी बड़े होते पता आपको भी उनसे बात तो कोई ताऊ अगर बीड़ी पी रहे हो ताऊ इधर बीड़ी ना पियो क्यों को मांग लेगा के उल्टा जवाब देते हैं आपको ये हमारा दिनेश नहीं जो गिटार पे ये एक दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा होता रेस्टोरेंट में अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है तुम बड़ी हॉट हो गरी तुम बड़े कूल हो पीछे ताऊ उठ के खड़े हो गए कहता मैं तो यू कहूँ सो शादी कर लो बच्चा गुनगुना पैदा होगा वैसे ईशा आप बेसिकली कहाँ मतलब पैदा कहाँ हुई थी पैदा दिल्ली में हुई थी बट ज्यादातर देहरादून हैदराबाद सिलीगुड़ी जी
देहरादून में, देहरादून में ब्यूटी तो है भी, मानना पड़ेगा। Everlasting beauty. और ये शिमला से है तो हम सब ठंडी पहाड़ के हैं। हाँ, 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 बिल्कुल। आप कहाँ के हैं सर? सर मैं अमृतसर, पर मैं शिमला आता जाता रहता था। शिमला, अच्छा। अच्छा मैंने एक चीज देखी अनुपम सर, जो अनुपम सर ने अपनी फिल्मों में शुरुआत की सरांज से, तो he was very young और 28, 29. He was मतलब? He is very young in सरांज। Yeah, yeah, yeah. I mean 28, 29 होंगे ना? 28. अच्छा शिमला में पले बड़े हैं, पैदा हुए शिमला में, और शिमला में नॉर्मली लोग ना हनीमून मनाने जाते हैं बहुत सारे। मतलब आपके घर के आसपास जितने भी होटल हैं सब में मतलब नए विवाहित जोड़े आए रहते हैं। आपने तो रोमांस ही रोमांस देखा पूरी जिंदगी, हो सकता है यही सोच के फिल्मों में भी आए हों कि रोमांस बड़ा होता है। यहाँ पे आके आते ही आपको बूढ़े का रोल मिल गया। हाँ सर, आपको गुस्सा नहीं आया? पर सबसे पहले तो ये सवाल का जवाब आने से पहले इस बात के लिए तालियां बनती हैं, उतनी छोटी सी उम्र में क्या खतरनाक किरदार निभा रहे थे। What a role and what a performance. जब भी आपसे मुलाकात होती है सारांश का जिक्र होता ही होता है क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, लेकिन क्या करेक्टर पकड़ा सर आपने? सर मैं सारांश से पहले मैं 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था। अच्छा। लखनऊ, और मैंने 3 साल काम ढूंढा और मुझे काम नहीं मिला। तो 3 साल सर मैंने बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारी, बहुत सारे दिन मैंने बीच पे सोया, मैं पैसे थे नहीं तो हालत बहुत ख़राब थी। उस मामले में जब मैं महेश भट्ट साहब से रोल मांगने गया था तो उन्होंने मुझे कहा था हाँ हमने सुना है कि तुम अच्छे एक्टर हो, तो मैंने गुस्से में खींच के उनसे कहा था कि आपने गलत सुना है, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ब्रिलियंट हूँ। तो किसने वो किया मुझे बताओ? आप ही ने, आप ही को मेरा दर्द समझ में आया। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, एंड देन जब भट्ट साहब ने मुझे सारांश के वो बीवी प्रधान का रोल सुनाया तो मुझे लगा कि आज से 35 साल बाद भी जब मैं कपिल शर्मा के शो में बैठूंगा तो मेरी पहली फिल्म का जिक्र जरूर होगा। बिल्कुल सर, कैसे भूल सकते हैं सर, मैंने और कोई भी फिल्म की होती, मैंने हीरो की फिल्म की होती, मैंने रोमांस किया होता, आज तक मैं यहाँ नहीं होता बैठा हुआ। ये उस फिल्म की जरूरत है। अनुपम सर आज बच्चे देखो कितने आए हैं, पटना से आए हैं बच्चे। अच्छा, बच्चों हेलो करो अनुपम सर को, ईशा मैम को। अरे वाह 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 वाह, नाइस टू सी यू। आपके टीचर कहाँ हैं? क्या हाल है सर? नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन से स्कूल से आए सर? डॉन बॉस्को एकेडमी पटना। डॉन बॉस्को, वाओ, पटना से। ये बड़ा नाम सुना है हमने आपके स्कूल का, बहुत अच्छा स्कूल है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। छुट्टियां हैं सर बच्चों को? यस सर, समर वेकेशंस में। तो जून से पहले पड़ जाती है छुट्टियां? 15th मई से शुरू हो जाते हैं। अच्छा, महंगे स्कूल है ना? डॉन बॉस्को, मैंने बड़ा नाम सुना है स्कूल का सर। किस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं सर आप? मैं तो हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा जी, और जो आगे बैठे हैं सर ये भी? ये मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। हाँ जी, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। मैथमेटिक्स, अच्छा जी, तो आपको तो दूर से नमस्ते। मैथमेटिक्स तो बड़ा टफ सब्जेक्ट है यार। सर आपसे एक सवाल पूछना था, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ये मैथमेटिक्स जो होता है ये इतना मुश्किल क्यों होता है? मुश्किल समझते हैं इसलिए सर मुश्किल लगता है। जिंदगी को आसान बनाएंगे मैथमेटिक्स आसान हो जाएगी। अरे बाप रे सर, बहुत फिलोसॉफिकल बात है। मगर सर आप एक सवाल है बस मेरा, आप लोग अभी भी ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सिखाते हैं? बिल्कुल सर, मगर काम तो आता नहीं है मेरी लाइफ में, अभी भी मुझे नोट गिनने होते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपने लव ट्रायंगल फिल्म की है? नहीं सर, इसीलिए लव ट्रायंगल सर। मुझे लगता है केमिस्ट्री भी सिखाते होंगे। हाँ, आप केमिस्ट्री भी सिखाते हैं क्या? बिल्कुल मैम। यस। पर आपके जिनके साथ है केमिस्ट्री आई है वो साथ में? बेसिकली मैं केमिस्ट्री के टीचर हूँ। अच्छा जी। और मेरे साथ हैं काजल मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ये इंग्लिश और हिस्ट्री। अच्छा जी, दो सब्जेक्ट हैं। और एक हैं मिस किरण। नमस्कार जी, ये हिंदी के टीचर हैं। अच्छा, और ड्राइंग भी सिखाती हैं। तो आपकी वाइफ नहीं बोलती कि हमें भी लेके जाओ साथ में? बोलती है सर, बहुत बोलती है। आपकी तरह मेरा भी हाल है। वो बोलती नहीं है कि आप तो किरण जी को लेके जा रहे हो? एक्सक्यूज मी, सुधीर सर की वाइफ है। अच्छा जी, और इनका तो अच्छा हो गया सर, आपका तो हस्बैंड। ये तो सर सरकारी खाते में पिकनिक आपकी होगी। सुधीर जी आपका तो सही है।
तो हर साल साथ में जाते हैं आप दोनों मियां बीवी? एक्चुअली ये भी वहाँ पढ़ाती हैं, ये भी हिंदी पढ़ाती हैं किरण जी? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ाती हैं। तो किरण जी आपके हस्बैंड भी हिंदी पढ़ाते, फिर आप क्यों पढ़ाती हैं? सही नहीं पढ़ाते? पर बड़ा अच्छा लगा सर, बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। कपूर शर्मा, कैसी लगी मेरी परफॉर्मेंस? पूरी? हाँ बोल। 4 दिन से रिहर्सल कर रहे हैं हम लोग। बोली मेरे को नहीं उसको मारनी थी। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर के साथ बैठ के हमने सीन में कुछ चेंजेस किए जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं। डायरेक्टर तेरे को चेंज करने की सोच रहा है? क्या बोला तेरे बारे में? नाम एक बहुत बड़े आदमी ने बहुत ही सच कहा है। हाँ। तेरा पूरी जिंदगी कुछ नहीं हो सकता। किसने बोला ये? श्री कपिल शर्मा। अरे यार तू एक खराब कर दिया नमना। हेलो सर, हाउ आर यू? नाइस टू सी यू। वेरी गुड टू सी यू। वेरी गुड एंट्री, ड्रामेटिक, वेरी ब्रिलियंट। ये जो तू चश्मा ना भी तोड़ती एंट्री पे, तो फिर भी उतनी ही बुरी लगती जितनी लगी है। ये 70 रुपए का जो तुमने नुकसान किया है ना, दे दूंगी सूद समेत वापस। ओहो, मिस भूरी, आप जनता को बताने का कष्ट करेंगे कि आज आप कौन सा करैक्टर खराब कर रही हैं? देखिए क्या है ना, मछुआरे तो ये यूनिफॉर्म पहनते हैं नहीं, तो वर्दी पहन के आपको क्या लग रहा है? वाह, देखो वर्दी तो चलो पुलिस की है, लेकिन मुंह तो तेरा चश्मदीद गवाह जैसा कि नहीं? संभल के रहो, कहीं मैं तुम्हारे खिलाफ गवाही ना दे दूं। ओहो। इंस्पेक्टर भूरी, क्राइम ब्रांच। ओहो। आधा घंटा पहले तो क्राइम पेट्रोल में लाश बनी हुई थी। कभी तो खुद अपने शो पे ध्यान दे दिया करो, जब देखो दूसरों के शोज देखते रहते हो तुम। देखूंगा मैं, ये नहीं मतलब कि यहाँ अर्चना जी बैठी हुई तो मैं शिल्पा शेट्टी को देखना बंद कर दूं। लाइफ में मांगता है रोमांस मांगता है। मतलब घर की अर्चना दाल बराबर। मैम इसकी ना यही प्रॉब्लम है, ये मुझे भी अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कैसे इसको बोलूं कि थिएटर ग्रुप में मैं सबसे महंगी आर्टिस्ट हूँ? महंगी तो यहाँ भी बहुत पड़ती है तू। एक्सक्यूज मी, देखो महंगी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे चीपनेस पसंद नहीं कपूर, ठीक है? और रही बात एक्टिंग की, तो वो मुझे नेचुरल ही पसंद है। ओह, तो नेचुरल एक्टिंग क्या होती है आप बताएंगी हमें? जी हाँ बिल्कुल, जो बिना मेकअप के करते हैं उसे बोलते हैं नेचुरल एक्टिंग। अब पता चला सर हमें क्यों महंगी पड़ती है। सर आप इसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, बट यू नो आई हैव टू टेल यू, इवन आई एम फ्रॉम एनएसडी। एनएसडी नशेड़ियों का गैंग है इनका। एनएसडी इसके हाथ देखो अनुपम सर, हाथ भले ही छोटे छोटे हैं लेकिन जर्दा पूरा मर्दों की तरह मलती है ये। एक बार में 200 ग्राम। जिसके बारे में बोल रहे हो कभी उसका बायोडाटा भी चेक कर लिया करो बोलने से पहले। दिवाली वाले दिनों में ना जलती बत्ती मुंह में डाल के पार्किंग एरिया में लोगों को लूटती है डरा डरा के। बायोडाटा मैं बताऊं तुम्हारा क्या? कपू मैं चाल भले कछुए की चलती हूँ। चाल तो बहुत चलती, कभी देखना शूटिंग के बाद ऑटो वालों के साथ जो चाल चलती ना, 10 की चाल 20 की चाल, जुआरी है पक्की, एक नंबर की है, और आज तक नहीं हारी कभी ये। अरे तो ऐसे कैसे हार जाऊं आप भी बताओ, जिसका दिमाग लोमड़ी के जैसे चलता है वो बंदी कैसे हारेगी? हार जाए, जरूरी नहीं है फीचर्स लोमड़ी जैसे हो तो दिमाग भी लोमड़ी जैसा हो। सर आपने वो चलाक लोमड़ी वाली कहानी सुनी है जो कौए से भोजन छीन लेती है? वो लोमड़ी इनकी कुल देवी है। इंग्लिश फिल्म आ रही है ना वन डे, वैसे तुम भी वन डे मेरे फैन हो जाओगे। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। देख जैसे तू एक्टिंग कर रही ना, वन डे का तो मुझे पता नहीं, ये जो हफ्ते में हम 2 डे आते हैं ना, ये सोनी उसका भी हाफ डे कर देगा हमारा। ये जो तुम ना मेरी एक्टिंग पे ना क्वेश्चन मत लगाओ, समझ में आया? ओके ओके, आई थिंक वो इतनी मेहनत कर रही है। हां जी, उसका मौका तो लगता है एक बनता है आपका। आप एक काम करो, आप कप्पू बुलाती ना इनको? हाँ। अच्छा, कप्पू जी का इंटरोगेशन करके दिखाओ। ओ
बहुत अच्छा मौका है बुरी. अच्छा इंटरोगेशन करेगी हमारी. आइए छोटी सी बच्चों की पुलिस आइए. बच्चों की बैठो. हाँ जी बैठो इधर. जी मैडम बताओ. हाँ माल कहाँ है? इंस्पेक्टर बन गई अभी तो माल सूंघना छोड़ दो. मैं उस माल की बात नहीं कर रही हूँ. चुपचाप बता दो सोना कहाँ है. जहाँ रोज सोती हो तुम्हारे लिए कौन स्वीट बुक कराऊ मैं? सवाल कैसे पूछ रही है? सुनो बकवास बंद करो. कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. कानून के होते होंगे आपके तो होठ लंबे हैं. मैंने ये क्या बकवास किए जा रहे हो? सर मुझसे नहीं होगा. मैं नहीं करने वाली है. करना नहीं क्या हो नहीं रहा. सर आप ही बताओ. मैं तो ठीक ठाक ढंग से कर रही थी. Come on, please. आप भी बने हो ना कॉफिल में. आप इनको सवाल करके देखो फिर पता चलेगा ये आदमी कितना परेशान करता है. डंडा दो मैडम को. और डंडे के साहब को डंडा दो. चलिए साहब को. अच्छा आप खड़े रहेंगे? मैं खड़ा रहूंगा. तो बताओ माल कहाँ है? इसको बताइए सूंघती है. अरे सॉरी सीरियसली. वो सब छोड़ो ये बताओ सोना कहाँ है? वैसे तो सारे कमरे फुल हैं. आप चाहे तो अर्चना जी को निकाल देते हैं. देखो जी कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. उन्हीं लंबे हाथों से हमें पकड़ लो मैडम. क्योंकि अगर मैं बाहर घूमता रहा तो किसी ऐसी के साथ सेट हो जाऊंगा. हालांकि सुबह सुबह तो मैं मना कर देता हूँ. रात को मुझे ज्यादा पता नहीं चलता. माल कहाँ है? माल कहाँ है? सबके सामने लगाओगे कि छुप के दूं सर? तुम जानते नहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं. सर लेकिन आपका मुंह भी बड़ा लंबा है. बोरी आई लव यू. आज इधर कर दिया इसने. बोरी आई लव यू बोल दिया. सोचो मैम आज तो मेरा दिन बन गया. वो था लोगों के लिए. चलो देख लेना कप्पू एक दिन भूरी के नाम का सिक्का चलेगा. सिक्का चलेगा तेरा. आइए आइए सर. सर आपके इतने सारे एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और आपके बड़े सारे फैन हैं यहाँ पे जिनको ये लगता है कि वो अपना एक्टिंग का टैलेंट जो है वो आपको दिखाना चाहते हैं और हो सकता है उनको लगता है कि आप उनको अपने स्कूल में एडमिशन दे दें या उनको कहीं फिल्म में काम दिला दें. हाँ जी पहले कौन आ रहा है हाथ खड़ा करें. जी माइक माइक दे दीजिए इनको. जी ये लीजिए भाई साहब. हेलो बच्चों कितने सारे बच्चे आए आज. हेलो अनुपम सर. हेलो ईशा मैम. हेलो कपिल सर. मैं इलाहाबाद से हूँ. मेरा नाम प्रखर है और ईशा मैम के साथ एक छोटा सा एक्ट करना चाहता हूँ. हाँ जी वो ईशा मैम से पूछिए आप. अपनी कास्टिंग खुद कर रहे हैं आप. हाँ ईशा मैम को अपने सामने कास्ट कर लिया. मैम नए जमाने के ना. नए जमाने में तो मैं अनुपम सर और रचना जी के हड़प्पा की खुदाई में मिले थे. हम लोग नहीं है इस जमाने के. सर सीखते आप से ही हैं. देखो शरेआम ही हमारे मुंह पे हमें बोल रहे हैं. प्रखर. प्रखर का नाम मतलब क्या होता है? तेज. तेज वो तो हो तुम. वो तो हो. सीन क्या है? छोटा सा जिम का सीन है. जिम? हाँ जी. गए हो कभी? हाँ जी. सो बेसिकली मैं स्क्वाट्स करूंगा और आप जस्ट एंटर कर रहे होगे उसी सेम जिम में. अच्छा अच्छा आइए. पहले कभी किए? हाँ. ये ना हो तुम्हारी टांगे रगड़े चिंगारियां निकले ऐसे. स्क्वाट्स करो आप. इतने होते हैं बस. हेलो हेलो. लड़की कौन है दोनों में से? स्क्वाट्स कर रहे थे. हाँ जी हाँ जी. आप कभी कौन सी एक्सरसाइज करने जा रहे हो? मैं भी स्क्वाट सोच रही थी पर आपको देख के सोचा ड्रॉप कर दूं. तो
तो आप शोल्डर की एक्सरसाइज कुछ ट्राई करना चाहोगे? हाँ, आप कराएंगे। कोशिश कर सकते हैं? आप ऐसे क्यों खड़े हैं, नीचे गोबर पड़ा है? स्क्वाट्स करते समय पैंट फट गई है मेरी, बस यही दिक्कत है। ओ, असली में फट गई? असली में? फिर तो जाओ भाई, इससे पहले कि आपका क्लीवेज नजर आए। थैंक यू। प्रखर आप इतने क्यूट हो ना, मुझे लग रहा था ईशा ही साथ में उनकी सहेली आई रेनू। थैंक यू सर। अच्छा, थैंक यू प्रखर, थैंक यू, शुक्रिया। अनुपम सर, आपके कुछ टिप्पणी चाहेंगे कि कैसा इन्होंने अभिनय किया? देखो, स्टेज पर आना और परफॉर्म करना, इसके लिए गुर्दा चाहिए। हाँ। उसकी मैं तारीफ करता हूँ, बिकॉज सबके सामने अपना मजाक उड़वाना, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए, तो उसके लिए आपकी मैं थैंक यू प्रखर। और कोई हमारे दोस्त? जी, तीन लड़के एक साथ। वो तुम तीनों पूरे पूरे नहीं हो, थोड़े थोड़े ही हो। आ जाओ। हाउ आर यू बॉयज? हेलो। हाय, कैसे हो? अरे बड़े, चलो क्या करने वाले हो? ओके सर, हम छोटा सा एक कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं जो कि रोमांटिक है और थोड़ा सीरियल सी भी है। अच्छा, करो करो रोमांटिक सीन। ओके सर, एक्शन बोल दीजिए प्लीज। हाँ, एक्शन। एक्शन टू। अरे नेहा, हेलो। मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ और कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, तुम मुझे कभी नहीं दिखी, आज मुझे दिख गई हो। क्यों, किस लिए? प्लीज यार, अब तो मान जाना यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कब समझोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा क्यों? मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, प्लीज चले जाओ यहाँ से, मुझे क्यों परेशान करते हो, जस्ट गो अवे। ऐसा मत करो प्लीज। हे, कौन हो तुम, क्यों रन कर रहे हो मेरी बहन को? अरे आप इसके भाई हैं, प्लीज इसे समझाओ ना यार, मैं इसे कितना प्यार करता हूँ, मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, प्लीज। अच्छा, एक सेकंड पूछता हूँ, क्या चल रहा है ये सब? भैया नहीं जानती हूँ इसको, ये कौन है? नहीं जानती है आपको? आप आइंदा मेरी बहन के सामने मत नजर आना, वरना बहुत मारूंगा। चल प्लीज, प्लीज यार, भैया प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज। आराम, लव यू, लव यू। अपनी एक्चुअल जिंदगी में क्या करते हो? जी मैं एक्टिंग करता हूँ बस। और आप? सर मैं डांस करता हूँ। डांस करते हो? नेहा भाई आप क्या सांप पकड़ते हो? सर थोड़ा बहुत म्यूजिक पे डांस मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा पर... बहुत 30 सेकंड तक पूरा गाना चले तो नहीं कर पाते? आधे पे डांस, आधे गाने पे डांस कर लेता हूँ सर। थोड़ा थोड़ा कर लेते हो? हाँ थोड़ा थोड़ा, ज्यादा फास्ट है आधा सर। जी आपने नाम नहीं बताया ब्रदर अपना। आनंद दीक्षित सर। आनंद आइए, हम आपका आनंद ले, आनंद आप डांस करके दिखाएंगे। हम अपने खुद दुश्मन होते हैं कि मैं ठीक लग रहा हूँ कि मैं ठीक कर रहा हूँ, मगर आज इनको देखेंगे कितने करोड़ों लोग इनको देखेंगे। जी तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। किधर जा रही है? रुक, ए क्या? रुक, चल पैसे निकाल मेरे। काहे के पैसे? एक तो मेरे बालों का ये हाल कर दिया और ऊपर से पैसे मांग रही है, वाह। अरे तेरा बाले के बवाले रे, तेरा बाल सीधे करते करते मैं टेढ़ी हो गई इधर। ये देखो सर, मेरा पूरा सैलून का सामान इसमें चिपक गया है, इससे लड़का नहीं फंसा तो कौवा फंसा लिया इसने, देखो। तो ये सब तो होना ही था ना, सारा टाइम तो तू अपने फोन पे लगी हुई थी। अच्छा है, तो तेरे लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं मुकेश को? ओ, और जो तूने मेरी डेट खराब की उसका क्या? अब मैं अपने बॉयफ्रेंड से कैसे मिलूंगी? अरे तो टेंशन मत ले, मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लेना। हाँ, ये बॉयफ्रेंड सब एक ही प्रजाति के रहते। और सुन,
उधर नाला सुपर में जाएगी ना डुक्कर लोग तेरे को देख के बहुत खुश भी होंगी। What do you mean? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ना प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए। प्रियंका चोपड़ा देखा फोपड़ा देखा है अपना बढ़िया इधर मलाड की कंगना रनावत भाग इधर से। तुझे ना तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं और कप्पू शर्मा मैं ना तुम्हें भी देख लूंगी। मैंने क्या किया? अरे नहीं नहीं सर आपकी तो ना मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपका शो देखूंगी ना। अच्छा उस हिसाब से देख लूंगी। अच्छा भी ठीक है थैंक यू। चापलूसी कर रही है इधर। सच बोल रही हूँ मैं। बाय ईशा बाय अनुपम सर। बाय अनुपम सर तेरे सर पे 5-10 हजार बाल के आ गए अनुपम जी को चिढ़ा रही है। तुझे इधर से बकवास कर रही हाय सर कैसे हैं? अरे सर मैं बहुत फैन है सर। हाय ईशा अरे वाह सी सच अ प्रिटी गर्ल नो। आपको ना खुले बाल बहुत अच्छे लगते जी। हाँ सर आपको भी ना खुले बाल मेरे बाल खुले ही हैं आज इतने खुले के पीछे छोड़ के आए। अनुपम सर के लिए जोरदार ताली हो जाए। सर मैं मीडिया में देखी सर कितना आप लोग मेहनत की उधर धूप में जाने का इलेक्शन में उधर सब क्या वोटिंग वीटिंग मांगने का ऐसा मतलब कितनी मेहनत से किरण जी को कुर्सी मिली है ना सर। जी जी जी। इधर कुछ लोग हैं जिनको बिना मेहनत के कुर्सी मिल गई जाने दो। खैर छोड़ो नहीं नहीं खैर छोड़ देगी तो सिर्फ अनुपम रह जाएगा अनुपम। सर आप शिमला से है ना? सेम ईयर सर मैं बिमला से हूँ। मेरी माँ का नाम बिमला है। सर आपकी पिक्चर का प्रोमो देख ली मैं। अच्छा जोरदार ताली प्रोमो के लिए। अच्छा सर ये पिक्चर का शूटिंग कितने दिन की आप लोग? काफी दिन की हमने। कितने दिन रहे? 45 दिन। 40-45 दिन शूटिंग करके वन डे बनाया। ये तो नुकसान है। प्रोड्यूसर का तो तेल निकल गया रहेगा। सर वो तेल मेरे को दे देना मैसेज के काम आएगा सर मेरे को देने का। सर वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। यस प्लीज। ये सेट मैक्स वाले जो है ये आपको कितना पेंशन देते हैं लोग? किस बात का पेंशन? ये मैं जानता हूँ क्या बोलने वाले हैं। हाँ तू और मैं तो सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं टीवी पे। ये 20 साल से रोज सूर्य वंशम में आ रहे हो। सर आपके जैसा आर्टिस्ट नहीं मैं देखी। बहुत बड़े आर्टिस्ट है आप लेकिन दोस्ती के मामले में सर आप पीछे रह गए। सर क्यों? मैंने क्या किया? अरे वो हीरा ठाकुर बार बार खीर खा के लुढ़क जाता है उसको रोक नहीं सकते। इतनी गलत बात है। कैसे आप? बहुत अच्छी। आप मिस इंडिया इंटरनेशनल है ना? जी। हाँ मैं भी मिस नाला सोपारा डोमेस्टिक हूँ। सपना हो गया तेरा? नहीं नहीं अभी हुई नहीं मेरे को ऐसा। हमने आई रन ब्यूटी पार्लर सर जी। सपना ब्यूटी पार्लर। सपना ब्यूटी। हम लोग ऐसा टिप्स देते हैं ब्यूटी टिप्स रहते हैं हम लोग का आपके लिए स्पेशल है। अच्छा डार्क सर्कल रहते हैं ना जी उसके लिए ब्यूटी टिप है। हाँ बताइए। नीम रहते हैं नीम नीम तुलसी तुलसी इज हर्बल रहते हैं उसको ना ऐसा मिक्सर में डालने का पीसने का उसका पानी नहीं फेंकने अरक रहना मांगता है उसके अंदर बहुत जरूरी रहता है। फिर अरक को कैसा ऐसा टांगने का ऊपर 2 घंटे के लिए फिर 2 घंटे बाद निकाल के उसमें दही डालने का नींबू वींबू डाल के उसको फेंटने का फिर 2 घंटा रखने का उसको और फिर वो बर्नी खोल के ना ऐसे सूंघने का फिर आप देखेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं बना फिर उसको फेंक देने का फिर फ्रस्ट्रेशन में सो जाने का। आप सोएंगे ना डार्क सर्कल नहीं है। कैसा लगा? अच्छा क्या रेमेडी बताइए सर? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मसाज ऑल्सो। आज तेरा सपना मैं तब मानू। हाँ बोल कपू क्या बोलते हैं? अनुपम सर के लिए कोई हेड मसाज बता फिर तेरे को मानू। मैंने ना जब मेरे बाल निकल रहे थे शुरू शुरू में मैंने सब किस्म का इंतजाम करता है सब कुछ किया है जैसे आपने भी इंतजाम बना मैंने वाकई किया था। कैसे? वो रीठा बोलते हैं ना रीठा रीठा रीठे को दही में डाल के जमीन में गाड़ दिया था फिर वो लगाता था फिर मुझे किसी ने कहा कि ऊंट का सुसू लगाने से मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे सर? हाँ हाँ हमारे नाले सोपर में बहुत पकड़ेगी अभी उन लोग। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो मैं जुहू बीच पे ऊंट वहाँ उन दिनों बहुत ऊंट हुआ करते तो मैं खड़ा होता था मुझे नहीं पता था ये 3-3-4-4 दिन बाद करते हैं। अच्छा। लोटा लेकर खड़ा होता था।
खड़े रहते। मैं खड़ा रहा इधर तक। और जब करते थे तो पूरा बशार पड़ते थे, कुछ नहीं होता। जिसके बाल जाने होते हैं वो जाते हैं, वो जाते ही हैं। दुनिया में दो ही किस्म के मर्द हैं, बाल्डीज एंड फ्यूचर बाल्डीज। ये तो सच है। मगर आप बहुत अच्छी बात है, मेरे को समझ नहीं आया इंग्लिश में, लेकिन अच्छा बोले सर। आज सर हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, खोसला का घोसला मसाज है। अच्छा, हाँ। इसमें क्या है? इसमें क्या, कस्टमर कपड़े उपड़े उतार के बिठाते हैं, फिर खोसला सबको बुलाते हैं, फिर खोसला सब बाल में तेल लगा के ऐसा मसाज करते कि उसका घोसला बन जाता है। ऐसा हम लोग। फिर हमारा बड़े मियाँ छोटे मियाँ मसाज बहुत अच्छा है। इसमें क्या है? हाँ, इसमें कस्टमर कपड़े उपड़े उतार के छोटे मियाँ आके मसाज करते। और बड़े मियाँ क्या करते हैं? बड़े मियाँ तो केबीसी में बिजी है ना, तो वो गाते। और छोटे मियाँ अपने कभी भी बुला लो उनको। अपने को सपोर्ट करते हो। अरे माय गॉड, गप्पू मेरे को जाने का है। एक कस्टमर को मैं वॉशिंग मशीन में रखकर आई है सर। मेरे को मैं वॉशिंग मशीन में क्यों? अरे क्योंकि वो मिक्सर में फिट नहीं आ रहा था, उसको ना डिटॉक्स मसाज चाहिए था। मैं चलती है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप बहुत अच्छा करते हो, जो भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। थैंक यू सर। वेरी गुड। मेरे को आपने ऐसा बोल के खुश किया है सर। तो अभी आप शिमला से है ना सच्ची में? और आप बिमला से हैं? मैं बिमला से। मैं सर आपको नाइटी डांस सिखाएगी शिमला का। अच्छा, आइए सर, अनुपम सर के लिए जो आप लोग को नाइटी डांस पहली बार देखेंगे। आइए सर, मैं नहीं कर सकता। थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है सर। आइए अनुपम सर, आइए ईशा। एक बार जोरदार तालियां अनुपम जी के लिए और ईशा के लिए। थैंक यू सो मच अनुपम सर, थैंक यू सो मच ईशा। थैंक यू, आप लोग शो में आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी बहुत मजा आया होगा जी। बहुत अच्छा, आपके साथ हमेशा बात करके अच्छा लगता है। आई लव यू सर, यू आर फैंटास्टिक। ये मतलब इनके जहन में लाइनें आते कैसे हैं, मुझे हमेशा ये अजूबा है, आठवां अजूबा है दुनिया का। बहुत अच्छा, एंड सो हैप्पी टू सी यू अर्चना, सो हैप्पी। आप लोग भी कमाल के लोग हो यार, कितनी दम है, कितनी शक्ति है आप लोगों में। थैंक यू वेरी मच, जरूर देखिएगा वन डे हमारी। है ईशा, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये कॉन्शियस एफर्ट है मेरे तरफ से जो हमने अपने फिल्म प्रमोशन के जरिए किया, और मैं चाहूँगी कि आप सब करें कि ट्रीज प्लांट करिए। जो मैंने अपनी फिल्म प्रमोशन के टाइम पे किया कि हम हर सिटी में जहाँ भी गए हमने 100 ट्रीज प्लांट किए हैं। तो थैंक यू। आई थिंक आज की डेट में, और बच्चे खास के यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग जो भी है, ऑल द यंग जो यूथ, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आज की डेट में आई थिंक जो सबसे बड़ी वॉर है वो है हम इंसानों की कुदरत के खिलाफ, क्योंकि हम अपने दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बात कही ईशा आपने, और हम, और मैं खुद इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग एयर पोल्यूशन के नाम से हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं अभी, और अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर भी बहुत सारे पेड़ लगा रहे हैं, और मैंने अपने बर्थडे पे भी हम लोगों ने हिमाचल में एक पेड़ लगाया था। ऑलरेडी हिमाचल इतना खूबसूरत है, सो बाकी आप खुद समझदार हैं, बचाइए पर्यावरण को, और जितना हो सके आप करें जरूर। सो अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का। आइए सर, आइए, मैं खींचता हूं आपकी, आइए। थैंक यू अनुपम सर, थैंक यू ईशा, और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर। थैंक यू, थैंक यू बच्चों।